साल निकल गए भाई। इन 65 साल में से 53 साल तो हम लोगों ने कांग्रेस में दिए, सरकार में कांग्रेस गई है, कांग्रेस का एक परिवार है जिसने राज किया है। और अगर मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 53 साल हो जाते हैं तो मैं तो मानती हूँ कि शमन होता है एक क्षेत्र के निराकरण करेंगे। और मैंने 634 करोड़ की आपकी जवाई पेयजल योजना इसको स्वीकृत की, पाली और रोहित में पहले पानी मिल जाएगा और अगले चरण में फिर सोजत और चेतारण में मिल जाएगा। तो मुझे खुशी है कि पाली और रोहित तक तो हम पहुंचा सके, परंतु मुझे दुख है कि आगे चेतारण और सोजत के अंदर हम नहीं पहुंचा पाए। मैं सोच रही थी कि ये 5 साल के अंदर हो जाएगा, परंतु लगता है यही है कि हम लोगों के हाथ में सरकार जब आएगी तभी हम इस काम को पूरा कर सकेंगे और पूरा हम करेंगे, आप ये विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं। आज मैं जब पूछती हूँ लोगों से कि ये मुख्यमंत्री टेलीविजन पे देखती हूँ मैं कि मुख्यमंत्री घूम रहा है और सब लोगों को कहता है कि मैंने बहुत चौमुखी विकास कराया है, तो कभी कभी मैं पूछती हूँ जनता से कि इसका जो चौमुखी का मतलब है और हमारा जो चौमुखी का मतलब है वो एक ही है क्या? इनके चौमुखी में तो ये 4.5 साल तो सोए और फिर 4 महीने इधर उधर भागे कि तुम पेंशन भी ले लो और ये पैसा भी ले लो और साइकिल भी ले लो और लुगड़ी भी ले लो और बर्तन भी ले लो और सब कुछ ले लो, पर वोट दे देना आपको। ये तो 3-4 महीने की बात है और 4.5 साल आराम से कुंभकर्ण की नींद ली, अपने जेब भरे, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं छोड़ी। और आपको भी मालूम है सब लोगों को कि किस तरीके के भ्रष्टाचार के टाइम से आप लोग निकल रहे हो, क्योंकि मैं सुन रही हूँ कि रात के अंदर तो जोरदार जम के भ्रष्टाचार हुआ। यह भ्रष्टाचार, ये चौमुखी विकास, इसको चौमुखी विकास कहते हैं। मैं तो जो समझती हूँ चौमुखी विकास से वो ये है कि हमको पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, सड़क मिलना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, हमारे छोटे मोटे क्षेत्र के काम होने चाहिए। जब ये नहीं होता है तो इसका मतलब चौमुखी विकास नहीं हुआ। चौमुखी विकास तो क्या हम गड्ढे में पड़े हुए हैं, इतने सालों से गड्ढे में पड़े हुए। और मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि अब वो मौका आ गया भाइयों, हमने गलती कर ली, 5 साल गलती हो गई, अब अपने को गलती नहीं करनी है। पूरे राजस्थान के अंदर ये ट्रेलर है सेमीफाइनल, इस सेमीफाइनल का रास्ता आपके चेतारण से होते हुए जयपुर जाता है और जयपुर के अंदर अपन आप जोरदार सरकार अपनी बनाएंगे। तो मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि जिस तरीके से एक नया राजस्थान बनेगा उसी तरीके से एक नया हिंदुस्तान बनेगा। सड़क ऐसी गंदी सड़क हो गई है, मैंने सबको कह दिया है, गांव के अंदर भी मैंने घोषणा करी हुई है कि सड़कों के जाल बिछा के सब लोगों को नेटवर्क में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि सड़क में गड्ढा तो फिर भी ठीक है पर गड्ढे में सड़क बिल्कुल नहीं हो सकता है। गड्ढे में सड़क बिल्कुल नहीं होने देंगे, सड़क होनी चाहिए। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत इतनी जोरदार सड़कें बनी, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने मेगा हाईवे बनाए, आज भी वही मेगा हाईवे चल रहे हैं। इनकी सड़कों की क्या हालत है? जो सड़कें हमने बनाई थी ना उसकी मरम्मत की ना नए सड़कें बनाई, ऐसी सरकार क्या काम की? काम करे तब तक कोई बात बताए, पर ऐसी सरकार जो घर बैठे आराम करे, आपके पैसे अपने जेब में डाले, कोई काम नहीं करे और फिर कहे मैं चौमुखी विकास कर रहा हूं। मैं अभी अभी आप लोगों से कहना चाहती हूँ, चिकित्सा के अंदर डॉक्टर के पद तो 7-8 खाली है अस्पताल के अंदर। और मेरे को कहते हैं कि अभी कोई टेलीविजन कोई बता रहा था मेरे को कि टेलीविजन पे कोई एड निकला है, उसने ये कहा है कि वसुंधरा जी कहती है कि दवाई की जो हम लोग फ्री बांट रहे हैं वो जहर। मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी, आपसे पूछूंगी, अगर घटिया ग्लूकोज जिसके अंदर वो फंगस आ जाता है अगर उसको चढ़ाने से जोधपुर के अंदर 30 प्रसूताओं की मौत हो जाती है तो क्या ये जहर का काम नहीं है? क्या अस्पताल के अंदर नकली और एक्सपायर्ड डेट के दवाएं अगर मिल रही है तो क्या ये जहर नहीं है? अगर मुफ्त दवा के नाम पर अस्पतालों के अंदर सैंपल फेल की दवाइयां मिल रही है तो क्या वो जहर के लाए नहीं जाएंगे क्या? और अगर एंटीबायोटिक इंजेक्शन, और ये मेरे झुंझुनू के अंदर हुआ, कलेक्टर ने वहां छापा मारा तो मिला, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन के अंदर अगर कांच के टुकड़े निकल गए हैं तो क्या वो जहर नहीं है? जहर तो क्या कहूंगी मैं इसको?
है तो क्या करें? जनता को जिसको आप झांसा दे रहे हो यह कहकर कि मैं तुमको फ्री जांच करा रहा हूँ, फ्री दवाई दे रहा हूँ, अगर इस तरह की तुम्हारी दवाइयां निकलती है, लोग मौत के घाट उतर रहे हैं, तो क्या होगा? ये जहर नहीं तो क्या है? क्या है बताए तो सही। मैं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ तो मेरे डॉक्टर नहीं है, पर्ची लिखने वाला नहीं है, बड़ी मुश्किल से अगर मेरा भाग्य खुल गया, मेरे को डॉक्टर मिल गया, उसे पर्ची लिखती तो 150 गोलियां जो मिलनी चाहिए थी उसमें 10 ही मिल गई। अगर मैं समझो 4 घंटे लाइन में लगने के बाद मेरी पर्ची के ऊपर वो लिख देता है कि भैया ये दवाई ले लेना, तो मैं जाता हूँ और बाजार में जाके दवाई खरीदने की कोशिश करता हूँ, तो वो दवाई नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से दवाई मिल जाती है, और 3 दिन की दवाई लिखते हैं, ज्यादा नहीं। अब फिर जाओ वापिस लाइन में खड़े हो जाओ, 4 घंटे लाइन में खड़े हो जाओ, 4 घंटे लाइन में लेकर फिर वही पर्ची लेके फिर वही दवाई को ढूंढने का काम करो, तो क्या होता है? ये आपने बोले लोगों का आपने फायदा किया कि नुकसान? नुकसान है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो भी स्कीम होती है वो स्कीम को जनता का सोच के जमीन पे लाने का जब तक नहीं लाओगे तब तक हवा में मैंने बहुत अच्छा काम किया कोई नहीं मानेगा। या तो घोषणाओं के मारे हम लोग दब गए। मैं भी घोषणा कर सकती हूँ, मैंने घोषणा की माता बहने कि आपको ये अलग से लाइन देने का मैं काम करूंगी, एक गरीब बिजली आपको दूंगी, पर मेरी उपलब्धि तो तब हुई जब मैंने 18 घंटे बिजली आपको दी घर में, ये मेरी उपलब्धि हुई, और मेरी उपलब्धि होगी जब मैं 24 घंटे आप लोगों को बिजली ला के दे दूंगी, तो मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, मेरे देश का पक्ष मैंने पूरा कर दिया, इनने घोषणा की कि हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे, मिले किसी को मिली? इनने घोषणा की कि हम 30 दिन के अंदर आपको बिजली का कनेक्शन देंगे, मिले क्या? इनने घोषणा की हम 10 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, है कोई यहाँ जिसको नौकरी मिली? ये घोषणा नहीं है, उपलब्धि नहीं है। इन्होंने घोषणा की कि इलेक्शन के 4 दिन पहले जो आपके आचार संहिता लगती है उसके 4 दिन पहले 34 कॉलेज की घोषणा करती है और कह दिया मैंने कॉलेज खोल दिए। इसको उपलब्धि नहीं कहते, क्योंकि कॉलेज तो जब खुलता है जब उसकी जमीन मिल जाती है, कॉलेज खुलता है जब उसकी बिल्डिंग मिल जाती है, बिल्डिंग के अंदर जब टीचर बैठ जाते हैं और टीचर के सामने बच्चे आ जाते हैं तब तो आपका कॉलेज खुला। 34 कॉलेज खोल दिया आपने, घोषणा कर दी और कह दिया कि पुराने धर्मशाला के 4 कमरे के अंदर कॉलेज खुल गया और प्राइमरी स्कूल के 2 कमरे के अंदर कॉलेज खुल गया और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ये 4 कमरे के अंदर कॉलेज खुल गया। ऐसे कॉलेज खुलते हैं क्या? ऐसे कॉलेज खुलते हैं? ऐसे झांसा देने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो सरकार जो बात कहती है और अपना पूरा करती है। हमें चाहिए वो ऐसी सरकार जो हमारे आंसू पोंछने के लिए तत्पर खड़ी रहती है। हमें चाहिए वो सरकार जो कहती है कि हमें आंसू नहीं देखना है, हमें आपको खुश देखना है। हम जब आपके बीच में आते हैं आपके शक्ल के ऊपर खुशी आ जाती है, आप मुस्कुराते हो तो वो अच्छा लगता है। ऐसी सरकार चाहिए हमको जो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ बैठने को तैयार है, आपको सुनने को तैयार है। हम चाहते हैं कि वो सरकार जयपुर के अंदर ही नहीं बैठे परंतु आए संभाग हेडक्वार्टर्स के ऊपर, आए गांव के अंदर घूमे, अपने जिलों के अंदर जाए और सीधे रूबरू होकर पूछे भाइयों तुम्हारा काम हुआ कि नहीं। कोई नहीं कहेगा अफसर आपको कि हमने 50 गांव के अंदर बिजली दे दी और जब जाके देखोगे कि नहीं दी। हम वहां जयपुर के अंदर बैठ के सोच रहे हैं कि 50 गांव में बिजली मिल गई और बाकी में नहीं मिली। ये तो हो नहीं सकता। अगर मैं खुदा के देख के जाऊंगी तो मुझे खुद मालूम पड़ेगा कि वाकई में बिजली मिली कि नहीं मिली। ये तभी होता है जब जनता का सरकार का समन्वय होता है, गैप नहीं होना है बीच में। ये गैप हो जाता है तो मुसीबत हो जाती है भाई। इसलिए आपके बीच में तो मुझे क्या कहना है, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि 5 साल बड़े कठिन वक्त से निकलना पड़ा। इस सरकार के अंदर ऐसे लोग बैठे चार की वजह से वहां से उतरना पड़े, कितना कलंकित हो गया राजस्थान, कितनी शर्म से हमारा सिर झुक गया। किसी भी आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी राज्य प्रदेश को आप देख लीजिए ऐसा नहीं हुआ है कि 5-5 मंत्रियों को महिला अत्याचार के ऊपर से वहां नीचे उतरना हो, 3 दोस्त में से जेल जाए और 2 तीन ऐसे घूम रहे। जिस तरीके से आप लोग जानते हो महिलाओं के, जिस घर में महिलाओं का मने आदर नहीं है, जिस घर में महिला की इज्जत नहीं है वो घर तबाह हो जाता है, वो जिंदा नहीं रह सकता। और वो राजस्थान का घर जिसके अंदर हमने अपनी महिलाओं को यहाँ रखा था, इतनी इज्जत दी थी, अरे विधानसभा के अंदर सीधे मुंह नहीं बोल सकते। आप पूछ लीजिए जो लोग बैठे विधानसभा देख रहे हैं, इतनी असभ्य भाषा और महिलाओं के ऊपर टिप्पणी,
जो मैंने आज की तकरीर सुनी है। मैं कह रही हूं कि महिलाएं लेंगे बदला, महिलाएं जाएंगी और कहेंगे कि जो लोगों ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, जो लोगों ने हमारी बहन बेटियों की इज्जत को संभाल कर नहीं रखा है, उनको चुल्लू भर पानी में वैसे ही डूब के मर जाना चाहिए और हम लोग आगे चल के उसको वैसे ही अपनी बात करा दें। ये चुनाव है हमारा सबका, माता बहने इसको अपने को छोड़ना नहीं है, इनको सबको अपने को याद दिलाना है कि फ्री में कोई राज नहीं करता। जब तक प्यार नहीं है, जब तक एकता नहीं है, जब तक एक दूसरे को लड़ा लड़ा के काम करते हैं, ऐसे लोगों को नहीं ले सकते। हमारा कहना है कि चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे वो किसी मजहब का है, चाहे वो किसी भी जात का है, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुजर हो, चाहे मीना हो, ये सब लोग विकास का मंत्र जपते हैं और ये सब लोग गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं। अगर हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है जी, हम तो सब गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज लड़ रहे हैं तो कल भी लड़ेंगे, और विकास चाहते हैं चाहे वो कोई भी हो। अगर ये हम लोग चाहते हैं तो हम किस पे लड़ रहे हैं, क्यों लड़ाने दे रहे हैं हम किसी को? इनने 65 साल लड़ा लड़ा के फायदा उठा लिया भाइयों, और हो गया बहुत। अब आ जाओ और 1 तारीख को त्योहार मना के माता बहने गा गा के अपने उस मुंह पे जाके और जोरदार तरीके से अपन बटन दबा के कमल के फूल को खिला और जोरदार तरीके से यार बुला के वापिस भेजो। ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल का रास्ता जीता रंग से जयपुर और फिर मोदी जी का राज करेंगे हम लोग हिंदुस्तान और